दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं MIM के प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान में। यहाँ हमारे साथ MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। आइए आज हम जानते हैं उनसे देश की सियासत। सर, इस वक्त महाराष्ट्र से हमें बहुत ही अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं। कल सुबह अचानक खबर आई कि जो है BJP और NCP की सरकार बन गई, 35 विधायक NCP के BJP के साथ चले गए। फिर कल शाम को जब बैठक हुई तो MIM NCP के जो लगभग 50 से 52 विधायक थे वो NCP की मीटिंग में शामिल हो गए। तो फिर यहाँ पासा पलटता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी भी BJP को हल्के में नहीं लेना है। आज की सूरत हाल ये है कि NCP के सारे विधायक NCP के पास वापस चले गए हैं। उनका कहना है कि अजीत पवार ने उनको धोखा दिया था। तो कहीं ना कहीं लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि MIM के ऊपर जो है लोग तंज कसते थे, लेकिन आज जो है खुद सब लोग बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो BJP और नागपुर की तरबियत याफ्ता BJP, वो RSS की वसूलों वाली BJP जो कभी कल कह रही थी कि न खाएंगे न किसी को खाने देंगे, और आज वो करोड़ों खिला करके अपनी हुकूमत बना रही है। पिछले दिनों में आपने कई स्टेट में देखा, उसका जिंदा उदाहरण अभी आपने देखा कर्नाटका में किस किस तरह से राजफास हुआ कि करोड़ों का डील हुआ। और BJP ने तमाम तर राजनीतिक नैतिकता को तलाक दे दी है, और इस तरह से राजनीतिक जो एक आम धारणा होती है, शर्मोहया होती है, BJP में कोई शर्मोहया बाकी नहीं रही है। इख्तदार के लिए कुछ भी कर सकती है, वो ED का गलत इस्तेमाल करेगी, CBI का गलत इस्तेमाल करेगी, हत्या के कोर्ट पर भी प्रेशर बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुल्क के लिए बड़े संगीन हालात हैं, और ये लोकतंत्र की हत्या के मुतरादिफ है कि लोकतंत्र में जो संवैधानिक तौर पर जो चयन होना चाहिए मुख्यमंत्री का, डिप्टी मुख्यमंत्री का, उस तरीके को फलांग कर लेकर रिश्वत की बुनियाद पर लोगों को डरा धमका कर हुकूमत बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इस खेल में जो सबसे ज़्यादा बेनकाब हुआ है, बढ़ाना हुआ है, जिसके बदन के हर हिस्से से कपड़े उतर गए हैं, वो कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जो हमें BJP का B-team कहती थी, और उनके गली कूचे के जो छुटवइये नेता हैं वो भी यही कहते हैं लोगों को। BJP के साथ कौन है, और आज देख ले फिरका परस्तों का साथ कौन दे रहा है। वो कहेंगे BJP के साथ हम नहीं हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उस वक्त बाल ठाकरे ने कहा था कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे शिवसैनिकों ने जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। और कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद 4000 से ज़्यादा जो मासूम लोगों का कत्ल हुआ, उसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग थे बम्बई में, उस फसाद के भड़काने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो शिवसैनिकों का था। और ये कांग्रेस जाकर उस शिवसैनिक के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत करने जा रही है, तो शिवसैनिकों का चेहरा बोल लिया। और अभी आप कांग्रेस के एक चरित्र और देख लीजिए कि पिछले दिनों में उन्होंने कपिल सिब्बल साहब को फीस लेकर भी बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने नहीं दिया, ये कांग्रेस है। और कांग्रेस के अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो सचिन पायलट, उन्होंने क्या कहा है कि ये बात तो सभी लोग कहते हैं, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए, मंदिर मस्जिद के झगड़े का खात्मा होना चाहिए, और कांग्रेस चाहती है कि उस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। तो ये है कांग्रेस का की असल तस्वीर, इससे लोगों को वाकिफ होना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी वहाँ कर रही है, चाहे कांग्रेस कर रही है, NCP कर रही है, और सबसे ज़्यादा जो बदनुमा किरदार अदा किया है वो BJP के लोगों ने किया है। परसों रात के 11 बजे तक हो रही है कि ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और सुबह आँख खुलती है तो लगता है कि सियासी जलजला आ गया वहाँ पर, और हर कोई हैरत में है कि किसका घर टूटा, किसका घर गिरा हुआ है। तो ये सभी लोग हमाम में, ये सारे लोग नंगे लोग हैं, और हम तो MIM के लोग हैं, हम कुर्सियों की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम हिंदुस्तान के आम जनों की संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कुर्सी उन्हें मुबारक हो, हम तो हिंदुस्तानियों को हक दिलाना चाहते हैं। और हमारे सदर ने तो कह दिया कि राष्ट्रपति की कुर्सी की लड़ाई हमें नहीं है, हमारे बेटे को चपरासी बना दो, जो मेरा हक है वो दो हमको। ये बात हमने साफ साफ कही है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को मोतियाबिंद है कि हमारी तस्वीर सही तौर पर नज़र नहीं आ रही है, तो उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन का काम चल रहा है। इस समय महाराष्ट्र में वहाँ MIM के भी 2 विधायक हैं, तो इस रस्साकशी में उनके किधर जाने का रुख है? यकीनन इन दोनों फिरका परस्तों से बराबर की दूरी बनी रहेगी।